नमस्कार सनातन विचार में आपका स्वागत है आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है ये परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी है और कई भाषाओं में उपलब्ध है हिंदी में भी ये योगी कथा अमृत नाम से उपलब्ध है और कई जगह रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल्स पे बुक शॉप्स में हर जगह आपको यह पुस्तक दिख जाएगी कुल इसमें 540 सौ पृष्ठ हैं पुस्तक का मूल्य दो सौ पंचानवे रुपये है होम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित यहाँ बैक कवर पे पुस्तक में से ही श्री परमहंस योगानंद द्वारा जो लिखित ये उनकी आत्मकथा है उसमें से कुछ अंश यहाँ दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ ओकेजनली आई टोल्ड एस्ट्रोलॉजस्ट टू सेलेक्ट माई वर्स्ट पीरियड्स अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी इंडिकेशन्स एंड आई वुड स्टिल अकम्प्लिश वॉट एवर टास्क आई सेट माई सेल्फ It is true that my success at such times has been accompanied by extraordinary difficulties. But my conviction has always been justified. Faith in the divine protection and the right use of man's God-given will are forces formidable beyond any the inverted ball can muster. Divine protection may faith or right use of man's God-given will. Ye the starry inscription at one's birth, I came to understand, is not that man is a puppet of his past.

ओम पब्लिकेशन की तीन पुस्तकें लेने पर तीस प्रतिशत का डिस्काउंट भी मिल रहा था तो मैंने तीन पुस्तकें ली थी ये श्री श्री परमहंस योगानंद के बारे में कुछ बैकग्राउंड है कुछ जानकारी है श्री श्री परमहंस योगानंद ऑल्सो नोन एज प्रेमा अवतार वॉज बॉर्न टू डिवोट बंगाली पेरेंट्स ऑन फिफ्थ जनवरी एटीन नाइनटी थ्री एज द सेकेंड सन अमॉन्ट एट चिल्ड्रेन इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था

ऑनलाइन भी आपको इनके बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएगी तो इस पुस्तक में जो आत्मकथा है श्री परमहंस योगानंद की उसमें श्री युक्तेश्वर गिरी जो उनके गुरु थे उनके बारे में और श्री लहिर महाशय के बारे में भी ठीक ठाक जानकारी दी गई है उन्होंने अच्छा खासा इसमें पुस्तक अपनी आत्मकथा प्रथा में इनके बारे में वर्णन किया है ट्रेंड इन मेडिटेशन द स्क्रिप्चर्स एंड क्रिया योग परमहंस योगानंद व सेंट बाइज टीचर टीचर से यहाँ श्री युक्तेश्वर गिरी हैं एज एन इमिशरी टू स्प्रेंड ओरिएंटल स्पिरिटुअल नॉलेज इन द वेस्ट दिस ही अचीव मोस्ट सक्सेसफुल ड्यूरिंग हिस् स्टेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइनटीन फिफ्टी टू तज हि पेंट अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ इज लाइफ एक्सपीरियंस इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अ ल्यूसिड अकाउंट दिस ऑटोबायग्राफी ट्रेसिस दिकारेस्क जर्नी ऑफ यंग मुकुंदलाल घोष ये श्री परमहंस योगानंद के माता पिता ने जो उनका नाम रखा था मुकुंद लाल घोष Thirsting for divine knowledge, during his journey starting with a silver amulet divinely delivered to his mother, he meets distinguished people like Mahindranath Gupta, a disciple of Sri Ramakrishna Paramhans, and eminent scientist Jagdish Chandra Bose. Culminating in his meeting his guru gyanavatar Sri Yukteswar Giri in Banaras, the humble disciple, with his simplified explanations of divinity and miracles, linking Indian philosophy with Christian theosophy, paid a befitting tribute to his guru and the mission he was interested with.

इन्होंने और भी अन्य पुस्तकें लिखी हैं गीता पर भी इनका एक भाष्य आता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाई परमहंस योगानंद डेडिकेटेड टू तो द मेमोरी ऑफ लुदर बर बैंक एन अमेरिकन सेंट लुदर बैंक एक्चुअली एक हॉर्टिकल्चरिस्ट थे वो पौधों के ऊपर काम करते थे उनसे काफी प्रभावित हुए थे श्री परमहंस योगानंद जब वो अमेरिका गए थे पुस्तक में इनको भी समर्पित एक इनके ऊपर भी एक चैप्टर है एक अध्याय है प्रिफेस हैं डब्ल्यू वाई इवेंट्स द्वारा द वैल्यू ऑफ योगानंद ऑटोबायोग्राफी इज ग्रेटली एनहैन्सड फैक्ट दैट दिस इज वन ऑफ द फ्यू बुक्स इन इंग्लिश अबाउट द वाइज मैन ऑफ इंडिया नॉट बाय अर्नलिस्ट और अ फॉरनर बट वन ऑफ देयर ओन रेस एंड ट्रेनिंग इन शॉर्ट अ बुक अबाउट योगीज बाय अज एन आई विटनेस रिकाउंटल ऑफ द एक्सट्रॉडनरी लाइफ एंड पॉर्स ऑफ मॉडर्न हिंदू सेंट्स द बुक हैज इम्पॉर्टेंस बहुत टाइमली एंड टाइमलेस To its illustrious author, whom I have had the pleasure of knowing both in India and America, may every reader render due appreciation and gratitude. His unusual life document is certainly one of the most revealing of the depths of the Hindu mind and heart, and of the spiritual wealth of India ever to be published in the West. It has been my privilege to have met one of the sages whose life history is herein narrated, Sri Yukteswaragiri. A likeness of the venerable saint appeared as part of the frontispiece of my Tibetan Yoga and secret doctrines. It was at Puri in Orissa on the Bay of Bengal that I encountered Sri Yukteswar. He was then the head of a quiet ashram near the seashore there and was chiefly occupied in the spiritual training of a group of youthful disciples. He expressed keen interest in the welfare of the people of the United States and all of the Americas and of England too and questioned me concerning the distant activities, particularly those in California, of his chief disciple Paramhansi Yoganand, whom he dearly loved and whom he had sent in 1920 as his emissary to the West. Sri Yukteswar was of gentle mien and voice, and of pleasing presence, and, and worthy of the veneration which his followers spontaneously accorded to him. Every person who knew him, whether of his own community or not, held him in the highest esteem. I vividly recall his tall, straight, ascetic figure, garbed in the saffron-coloured garb of one who has renounced worldly quests, as he stood at the entrance of the hermitage to give me welcome. His hair was long and somewhat curly, and his face bearded. His body was muscularly firm, but slender and well formed, and his step energetic. He had chosen as his place of earthly abode the holy city of Puri, where multitudes of pious Hindus, representative of every province of India, come daily on the pilgrimage of the famed temple of Jagannath, Lord of the World. It was at Puri that Sri Yukteswar closed his mortal eyes in 1936, 1936 to the scenes of this transitory state of being and passed on, knowing that his incarnation had been carried to a triumphant completion. I am glad indeed. to be able to record this testimony to the to the high character and holiness of Sri yukteswar content to remain afar from the multitude he gave himself unreservedly and in tranquility to that ideal life which paramhans yoganand his disciple has now described for ages यह श्री परमहंस योगानंद द्वारा लिखित एक्नॉलेजमेंट है क्योंकि यह उनकी ऑटोबायोग्राफी है उन्होंने खुद लिखी है ये पुस्तक आई एम डीपली इंडे्टेड टू मिस एलवी प्रैट फॉर हर लॉन्ग एडिटोरियल लेबर्स ओवर द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दिस बुक माई थैंक्स आर ड्यू एबल टू मिस रुथ जान फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इंडेक्स टू मिस्टर सी रिचर्ड राइट फॉर परमिशन टू यूज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज इंडियन ट्रैवल डायरी मिस्टर सी रिचर्ड राइट जब अमेरिका से एक बार वह वापस फिर भारत आए थे तो ये उनके साथ आए थे भारत और ये अपने साथ एक डायरी मेंटेन करते थे तो काफ़ी सारी जो चीज़ें इन लोगों ने की थी लोगों से मिले थे जो अनुभव इनका हुआ था ये उनकी डायरी में से लेकर फिर श्री परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में उनका वर्णन किया था एंड डॉक्टर डब्ल्यू वाई इवेंट्स वेंट्स फॉर सजेशंस एंड एनकरेजमेंट अक्टूबर अट्ठाईस उन्नीस कैलिफोर्निया जब वो अमेरिका में थे तब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी और 1946 में शायद मैंने पहले भी बताया है ये पुस्तक पहली बार पब्लिश हुई थी प्रिफेस एक्नोलिजमेंट हमने देख लिया ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है कुल उनचास चैप्टर हैं इसमें आ, पेरेंट्स एंड अर्ली लाइफ मदर्स डेथ एंड एम्यूलेट सेंट विथ टू बॉडीज़ स्वामी प्रणबानंद के साथ जो उनका अनुभव रहा उसके बारे में इंटरप्टेड फ्लाइट टूअर्ड्स द हिमालयस उन्होंने कई बार ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर अपने घर छोड़ के हिमालय भागने की कोशिश की थी तो उसके बारे में है परफ्यूम सेंट परफॉर्म्स इज वंडर्स टाइगर स्वामी लेविटेटिंग सेंट तो वो घूमते रहते थे और विभिन्न स्वामी और संतों से और ऋषि मुनियों से मिलते रहते थे तो वही उनके अनुभवों के बारे में है कि किन किन से वो मिले और क्या उनका अनुभव रहा उनसे मिलके इंडियाज़ ग्रेट साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर जगदीश चंद्र बोस उनसे उनकी भेंट ब्लिसफुल डिवोटी एंड हिस्स कॉस्मिक रोमांस मास्टर महाशय लहिरी महाशय के बारे में है फिर उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से जिनकी मुलाकात हुई आई मेट मीट माई मास्टर श्री युक्तेश्वर टू पेनीलेस बॉयज़ इन वृंदावन वृंदावन में ये अपने एक मित्र के साथ गए थे वो एक दोनों के बीच में एक चैलेंज लगा था उसी की कहानी है इसमें एयर्स इन माई मास्टर्स हर्मिटेज द स्लीपलेस सेंट राम गोपाल मजुमदार एन एक्सपीरियंस इन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस द कॉली फॉर रॉबरी ये फिर श्री युक्तेश्वर गिरी के आश्रम की कुछ कहानियाँ हैं उनके आश्रम में जब ये रह रहे थे आउटविटिंग द स्टार्स शशि एंड द थ्री सफायर्स ए मोहम्मदन वंडर वर्कर अफजल खान माई गुरु अपियर सैम इन कैलकटा एंड शेरमपुर वी डू नॉट विजिट कश्मीर वी विजिट कश्मीर the heart of a stone image my university degree i become a monk of the swami order brother ananta and sister nalini the science of kriya yoga kriya yoga jo lahiri mahase uh, uh, jiske bare mein unhone bataya lahiri mahase ne founding of a yoga school at ranchi brahmacharya vidyalay ke naam se unhone found kiya tha aur aaj ki tarikh mein ये योगोदा सत्संग Vidyalay नाम से आज भी ये school है Ranchi में Ranchi उस समय बिहार में था अभी झारखंड की राजधानी है और <coughs> योगोदा सोसाइटी नाम से ही श्री परमहंस योगानंद के जो अनुयायी हैं वो अब उनकी जो शिक्षा है और जो क्रिया योग है वो सब योगोदा सोसाइटी के अंतर्गत ही चलती हैं और रांची में अभी भी ये स्कूल है काशी रिबॉर्न एंड रीडिस्कवर्ड रविंद्रनाथ टैगोर एंड आई कंपेयर स्कूल्स रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी भेंट लॉ ऑफ मेरिकल्स एंड इंटरव्यू विद द सीक्रेट मदर काशी मोनी लहिरी ये शायद ये मुझे अगर ठीक याद है तो लहरी महाशय के समाधि ग्रहण करने के बाद की जो उनकी पत्नी थी उनसे जो भेंट हुई थी वो उसका इसमें प्रसंग है राम इज़ रेज फ्रॉम द डेड बाबा जी द योगी क्राइस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया मटेरियलाइजिंग अ प्लेस इन द हिमालयाज द क्राइस्ट लाइक लाइफ ऑफ लहरी महाशय इस लहरी महाशय के बारे में काफ़ी जानकारी है बाबा जी इज़ इंटरेस्ट इन द वेस्ट आई गो टू अमेरिका लुदरबर बैंक सेंट अमिस् द रोजेज ये एक हॉर्टिकल्चरिस्ट थे अमेरिका में जब अमेरिका गए तो अमेरिका के यहाँ तक जो है छत्तीसवें अध्याय तक भारत में ही उनके अनुभवों की उनके गुरुओं के बारे में वो सारा कुछ जानकारी है अमेरिका के बारे में सिर्फ सैंतीस अड़तीस और उनचालीस तक है आई गो टू अमेरिका लुदर बर्बैंक और थेरीज न्यूमैन द कैथोलिक स्टिगमेटिस्ट ऑफ बवेरिया ये भी शायद वो यूरोप जब गए थे तब की है या अमेरिका की होगी फिर यहाँ से वापस फिर वो जब इंडिया आते हैं तो फिर इंडिया की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं आई रिटर्न टू इंडिया एन आइडल इन साउथ इंडिया लास्ट डेज विथ माई गुरु द रि रिसरेक्शन ऑफ श्री युक्तेश्वर विद महात्मा गांधी वर्धा वर्धा के आश्रम में भी वो रुके थे द बंगाली जॉय परमिटेड मदर आनंद मोई माँ द वुमन योगी हु नेवर ईट्स गिरी बाला उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं आई रिटर्न टू द वेस्ट और एट इन्सीटास इन कैलिफोर्निया तो जब आत्मकथा पहले प्रकाशित हुई थी तो अड़तालीस चैप्टर थे उनचासवां बाद में उन्होंने लिखा था तो इसमें उसको भी ऐड किया गया उसके बारे में भी कुछ अलग से जानकारी दी गई है वो आगे मैं आपको दिखा दूंगा और फिर यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है प्रिंट की क्वालिटी का कोई इशू नहीं है पुस्तक अंग्रेज़ी में है हालांकि हिंदी अनुवाद भी आसानी से उपलब्ध है इंटरेस्टिंग है उन, उनके अनुभवों के बारे में पढ़ना और अलग अलग जो संत महात्माओं से उनकी भेंट हुई और किस किस प्रकार का उनका अनुभव रहा कहीं उन्होंने कुछ अलौकिक अनुभव भी उनके रहे उसके बारे में ये पूरी जानकारी है पढ़ने में पुस्तक काफ़ी सुगम है आप जिस भाषा में भी आपको आपको सुविधा हो मेरे ख्याल से हिंदी अंग्रेजी में तो मैंने देखी ही है बट मेरे ख्याल से ये और भी भाषाओं में उपलब्ध होगी यहाँ देखिए लहिरी महाशय की हैंडराइटिंग है नीचे लिखा है लहिरी महाशय हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर इन बंगाली स्क्रिप्ट आर आर शोन अबव द लाइन्स अकर इन अ लेटर टू अ चेला द ग्रेट मास्टर इंटरप्रेट संस्कृत वर्स एस फॉलो ही हुईट्स डू नॉट ब्लिंक हैज अचीव्ड संभवी मुद्रा श्री श्याम चवन देव श्री श्याम चरण देव शर्मा यहां फिर कुछ और नीचे जानकारी दी गई है द आर ए मिशन इंस्टीट्यूशन एंडर टुक द पब्लिकेशन ऑफ मेनी ऑफ द गुरुज स्क्रिपिचुअल कमेंट्रीज श्री लहरी महाशय के बारे में बात हो रही है लाइक जीजस एंड अदर ग्रेट प्रॉफिट्स लहरी महाशय हिमसेल्फ रोट नो बुक्स वट इज पेनेट्रेटिंग इंटरप्रिटेशन वे रिकॉर्डेड एंड अरेंज बाई वेरियस डिसाइपल्स तो ये जानकारी दी गई है फिर हम्म ये महात्मा गांधी एक बार जो रांची में इनका स्कूल है उस समय ब्रह्मचर्य विद्यालय था बाद में जैसे अब योगोदा संस्थान बनी योदो योगा योदो योगोदा सत्संग तो उस नाम से अब स्कूल का भी नाम हो गया है तो वहाँ के विजिटर बुक में महात्मा गांधी की एंट्री है उनकी अपनी हैंड राइटिंग में तो ये उसी का एक एक्सेप्ट यहाँ दिया गया है महात्मा गांधी हैंड राइटिंग इन हिंदी महात्मा गांधी विजिटेड माई हाई स्कूल विथ योगा ट्रेनिंग एट रांची ग्रेशियसली रोड द अबव लाइन्स इन द रांची गेस्ट बुक द ट्रांसलेशन इज़ दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ डीपली इम्प्रेस्ड माई माइंड आई चेरिश हाई होप्स दट दिस स्कूल विल इनकरेज द फर्दर प्रैक्टिकल यूज ऑफ द स्पिनिंग व्हील साइंड मोहनदास गांधी सत्रह सितंबर 1925. फिर ये गांधी जी ने जो झंडा जो था भारत का नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन इन 1921 ट्वेंटी गांधी स्ट्राइप्स विद सैफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन और बीच में चरखा था तो उसके बारे में यहां पे जानकारी है फिर यहां पे कुछ जानकारी आपको आ, भारत के फ्लैग के बारे में दी गई है ये उन्होंने कई पोयम्स लिखी थी उसमें से एक साउंडलेस रोर एक पोयम है वो पोयम यहाँ दी गई है और भी अंदर एक आध पोयम है शायद ये जो आखिरी का चैप्टर है ईयर्स 1942-51, इसके बारे में अलग से यहाँ शुरुआत में कुछ दिया गया है अपेंडिक्स द फॉलोइंग इज द फाइनल चैप्टर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ई योगी द ईयर्स नाइनटीन फोर्टी टू फिफ्टी वन रिटर्न बाई योगानंद इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव ईयर्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल एडिशन ओरिजिनल एडिशन के प्रकाशन के पांच साल बाद उन्होंने लिखा था um, ये आखिरी चैप्टर वी प्रेजेंट दिस चैप्टर एज योगानंद हिमसेल्फ रोटेड इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है फ्री ऑफ ऑल पॉस्टमस चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाई अदर्स इंक्लूडिंग बोथ एडिशन एंड डिलीशन फॉलोइंगज डेथ इन नाइनटीन फिफ्टी टू Crystal Clarity Publishers is delighted to again make this available with all of its inherent power, just as the great master of yoga first presented it. तो ये इस चैप्टर के बारे में है और आखिरी में यहाँ इन मेमोरियम दिया गया है ये महात्मा गांधी के बारे में है जब उनका एसासिनेशन हो जाता है तीस जनवरी उन्नीस को तो उसी के संदर्भ में यहाँ एक मेमोरियम दिया गया है पुस्तक में मेरे ख्याल से ये ये भी श्री परमहंस योगानंद द्वारा ही लिखित है क्योंकि जैसा कि लिखा गया उन्नीस 1951 में उन्होंने ये वाला चैप्टर लिखा था और महात्मा गांधी से वो मिले थे महात्मा गांधी उनके स्कूल भी गए थे वो उनके आश्रम में भी रहे थे तो उनसे प्रभावित तो थे ही तो एक पेज का एक मेमोरियम महात्मा गांधी के ऊपर तो अच्छी पुस्तक है अधिकांश जो पुस्तक में चीज़ें हैं वो भारत में ही हैं और जैसा कि मैंने बताया चार पांच चैप्टर हैं जो उनकी अमेरिका में रहने के ऊपर हैं बाकी ज़्यादातर जो संत महात्माओं से उनकी मुलाकात हुई और भेंट हुई वो सब भारत में ही हुई तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं और स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखी गई है किसी और ने नहीं लिखी ऑटोबायोग्राफी है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अनुभव है उनके और उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको पुस्तक के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में